वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए संपूर्ण भारत लॉकडाउन है। प्रशासन द्वारा लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है, तो इसी बीच सहरसा में राजद नेता सर डीएसएस जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सैकड़ों लोगों के बीच मास्क, डिटॉल, साबुन, सैनिटाइजर का वितरण किया है। लोगों से अपील किया कि लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस रखकर साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। इस मौके पर राजद नेता मनोज यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव के आह्वान राजद बीएसएस संगठन कार्यकर्ता 7 दिनों से हजारों लोगों के बीच जाकर कोरोना संक्रमण बीमारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस के तहत मास्क, डिटॉल, साबुन, सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करें। सहरसा से अमन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर इंडिया। वितरण कर रहे थे, आज हम वितरण कर रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क, साबुन, डिटोल साबुन, सैनिटाइजर और सामान भी बांट रहे हैं। और यही हम लोग माननीय तेज प्रताप यादव जी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के आह्वान पर, आदरणीय श्री लालू यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर बांट रहे हैं। और ये हम हफ्ता दिन से बांट रहे हैं, हजारों बांट चुके हैं और ये सिलसिला हम लोग का चलता ही रहेगा। और आज भी हम लोग बांट रहे हैं और बांटते ही रहेंगे। समाज में यथाशक्ति तथा भक्ति हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इस दौरान जो है आप लोग सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं और जनता से भी प्रार्थना करते हैं कि सोशल डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि वो हितकर है सबके लिए। कहते हैं लोग मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, जहाँ तक कर भी रहे हैं, मेंटेनेंस हो भी रहा है। क्या नाम है? मनोज कुमार यादव, बीएसएस जिला अध्यक्ष। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.